एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित सैमली गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने चमन सिंह को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 228 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 215 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 28 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सिटाइज रोड, खड़ंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 81 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कन्या इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सिसिटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जिले का प्रधान चमन सिंह, मैं जो सरकार से धनराशि मिली हमारे लिए उसका पूरा पैसा, जितना पैसा हुआ उसमें सब विकास कार्यों में लगा दिया है। जैसे कि टेल्स, नाली, हैंडपम्प, इसके कार्य में लगा दिया है। मेरी पंचायत में बहुत कार्य, मेरी न्याय पंचायत ग्राम सभा में 3 ग्राम हैं, उनमें एक 3 मजरे में ग्राम 81 शौचालय आए हुए हैं, उनका पूर्ण काम हो गया है। ग्राम में कोई 2011 में आवास नहीं आया, इंदिरा आवास नहीं आए, ऐसे पात्र 35-40 आदमी आवास के लिए पात्र हैं। और बहुत विकास के कार्य ऐसे पैसे बगैर अधूरे हैं।